हाँ, मिर्च हो रही थी, मिर्च नहीं हो रही। मैंने मिर्च खा ली, जो उसमें मिर्च काटी थी ना, बहुत तीखी मिर्च है यार, मैं मिर्च नहीं खाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी बिजलवान व्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है 10 बजे से, और मैं अभी उठ रही हूँ, मुंह धुल दिया है, ब्रश कर लिया, और सबसे पहले मेरे खाने पे नज़र गई थी, पेठे के डब्बे पे। ये पेठे का डब्बा है, दिखाती हूँ। ये पेठे का डब्बा शुभम गया था आगरा, वहाँ से लेके आया था। भाई साहब, ये अब ख़राब हो चुका है, ये देखो। हो तो गए इसे काफ़ी दिन खैर, पर ये ख़राब हो चुका है बहुत गंदे तरीके से, और ना इसमें कोई टेस्ट था। लिटरली पता नहीं कहाँ से लेके आया वो बेकार सा ये डब्बा। भाई, हमने जो देहरादून में ख़रीदा था ना विरासत मेले में, पेठा पान वाला फ्लेवर था जो, ओ भाई इतना गजब हो रहा था ना, इतना गजब मस्त, मेरे को तो मज़ा ही आ गया था खाकर, इतना टेस्टी हो रहा था पान वाला। एक लेके आए थे हम, हाँ एक लेके आए, एक दूसरा लेके आए थे, दो दो डब्बे लेके आए थे हम पेठे के, ठीक है। जब हमने पान वाला खाया ना, फिर हमने दो डब्बे और मंगवाए, फिर हमने वो दो डब्बे भी खाए, और हमने एक पीस या दो पीस दिया होगा अपने पड़ोस में। भाई, वो एक पीस भी 5 लोगों ने खाया हो मिलके। वो बोले थे, भाई कहाँ से लेके आए, हमारे लिए भी लेके आ जाते। मैंने कहा, हमें क्या पता था आप लोगों को अच्छे लग रहे, मैंने कहा वो तो हमें अच्छे लग रहे, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है ना, तो इसलिए। तो अभी मैं करूँगी नाश्ता, शुभम मुझे दिख नहीं रहा। शुभम ने बोला था कि दीदी हर्षिल चलेगी, मैंने कहा कौन कौन जा रहा है, बोल रहा भास्कर और मैं जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम लड़कों के बीच में मैं क्या करूँगी, तो बोल रहा तो अपने साथ कोई लड़के ले जा ले। मैंने कहा मैंने लेके जा रही अपने साथ किसी को, भाई मैं अकेले अपना अपना ही बहुत है, मुझे अकेले अच्छा लगता है, कोई बात तो नहीं करेगा मुझे, और मुझे किसी से बात तो नहीं करनी पड़ेगी ये। तो फिर बहुत चीज़ें होती हैं ना, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी एक फ्रेंड है बीटेक की, और उसकी शादी में गई थी मैं इसी साल फरवरी मार्च के टाइम पे, चमोली। तो उसकी बेबी गर्ल हुआ है उसको, और मुझे कल पता चल रहा है 11 दिसंबर को हो गया था। पहले मेरी एक फ्रेंड ने बोला, प्रीति ने, वो भी हमारी क्लास, हम 4 लड़कियां थी सिर्फ अपनी ब्रांच में कंप्यूटर साइंस की, उसने बोला तू मौसी बन गई है। मैंने कहा तू प्रेग्नेंट हो गई, तो मैंने कहा साली बताती नहीं है ये वो, सो उसको गाली वाली दे दी, ठीक है। फिर लास्ट में बोली पूनम को, चल पूनम को बधाई दे दे। मैंने कहा वे यार, मैंने कहा ये तो अपने बापू पे गई है। तभी मैंने ना पहले फोटो नहीं देखी थी सही से, फिर मैंने फोटो देखी, फिर मैंने कहा यार ये तो अपने पापा पे गई है बुरी बुरी। तब पूनम को बधाई दी। अब देखते हैं पूनम से मिलने का प्लान कब होता है, वो बोल रही है न्यू ईयर के बाद चलेंगे, तो चलो देखते हैं न्यू ईयर के बाद का क्या प्लान होता है। और अभी तो मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ते में पता नहीं क्या बनाया आज। मम्मी अभी कपड़े धोने चली गई, मम्मी बोली सोते रहो तुम, सोते रहो। मैंने भाई थकान लगी है, मैं तो अभी तक अंगूठों में दर्द हो रहा है, वो जूते ना मतलब अंगूठे से टाइट हो रहे थे, या पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता। तो पेठे का डब्बा गाय को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्लानिंग नहीं है। और हाँ, मेरा आज का व्लॉग आ चुका है, जो हमने वैष्णो देवी में लास्ट डे था हमारा, कटरा में हमने शॉपिंग की थी, जो भी वो सारा व्लॉग डाला हुआ है मैंने, वो आ चुका है अभी तक। और जो मेरा कल का था जब हम घर पहुंच गए थे, जो भी था वो मैं शाम को डालूंगी, तो वो वाले ब्लॉग भी जरूर देखना और बताना आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय। देखो नाश्ते में क्या बना है, स्क्वाश की सब्जी। स्क्वाश मैंने दिखाया था ना आपको, खेत में हो रहा है हमारे, लौकी की जैसे होता है ये, पर लौकी ज़्यादा अच्छी होती है, ये मुझे उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता यार इसका। दिखाऊँगी अभी खेत में जाके कहाँ पर हो रखा है स्क्वाश, और कैसा होता है दिखने का, वो भी दिखाऊँगी, ठीक है। बहुत मज़ा आ गया खाने में, आज तो सब्जी अच्छी हुई थी, पर चटनी तो और ज़बरदस्त हो रही थी। तन्नू ने बनाई थी चटनी, जो कि बहुत मस्त हो रही है। ओ भाई दही लिया, इतना बड़ा आ रहा, मैं तो आप लोगों को स्क्वाश दिखाने आई थी, स्क्वाश नहीं था यार, वो लौकी की सब्जी थी। मम्मी से पूछूंगी, मुझे स्क्वाश ही लगा यार वो, दिखाती हूँ। ये देखो ये है स्क्वाश, ये यहाँ ये लगा है ना, इसे बोलते हैं स्क्वाश। ये खूब बड़े बड़े होते हैं यार, ये लग गए मैं 3 4 5। ये देखो एक इधर भी लगा है, ओ भाई इधर भी लगा, ये देखो कितना बड़ा रखा। देख रहे हो
जो हम खाते नहीं वो चीज हो रखी है यहाँ पे। ये देखो भाई सही है, जबरदस्त। ये लहसुन, मम्मी कल तन्नू को डांट रही थी तो सारे लहसुन के पत्ते उखाड़ दे, तो काट दे। तन्नू ने लहसुन के पत्तों की चटनी बनाई ना, बहुत टेस्टी हो रही थी वो चटनी। डहेलिया दिखाती, ये देखो अब मम्मी हमें पूरा लग रहा है मुझे पूरे महीने भर ना यही खिलाती रहेगी हरा घास। नहीं ऑल दो हमको अच्छा लगता है ये, हमें कोई इशू नहीं। ये देखो टमाटर भी होने लग गए। ये देखो भाई इनकी चटनी इतनी टेस्टी होती है ना इन टमाटरों की। और ये देखो डहेलिया तब आके, इन्होंने पूजा में चढ़ा ही नहीं मुझे लग रहा है। ये देखो एक डहेलिया ये रखा, एक डहेलिया ये रखा, और ये तो बहुत ही बड़ा रखा है। ये देखो ये है ना, मस्त लगता है मुझे यार डहेलिया का कलर रेड। ऑल दो मुझे रेड पहनना पसंद नहीं है पर फ्लावर्स में मुझे रेड ही पसंद आता है मोस्टली। और ये देखो ये तो राई है, राई राई राई। और ये मूली है ये वाली। अब मम्मी ने पालक ही नहीं लगाई यार। ये अच्छा ये पालक ही तो है, पालक कैसे उखड़ी हुई यहाँ से कि अब ये उग रही है, ये उग रही है शायद। ये चुकंदर है पता आपको, मम्मी को कन्फ्यूजन हो गया था। ये देखो मम्मी ने सोचा होगा ये भी पालक है, ये देखो दोनों एक साथ लगा रखी है। और ये मेथी भी बड़ी बड़ी होगी, मेथी के तो पराठे अच्छे लगते हैं खैर। और मिर्ची का तो, मिर्ची तो मरने वाली है कुछ दिनों में। और ये धनिया ये देखो मिर्चों में भी देखो कैसे मरी मरी से हो रही है मिर्चें। ये हो गई, ये हो गई। ये देखो मिर्ची पता नहीं क्यों नहीं हुई, इतनी मेहनत करी थी इसमें सुबह सुबह उठ के, पता नहीं क्या चाहिए इन मिर्चों को, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गाइस मेरे को तो पूरी की पूरी गलत फहमी हो गई थी ना, वो लौकी की सब्जी थी ना वो स्क्वाश की सब्जी थी, वो थी पपीते की सब्जी, हरे पपीते की, और बहुत अच्छी हो रही थी। अरे शुभम सो रखा है ना शायद अभी तक, सो उठ जा तू तो घर से जाने वाला था। तो अपने को ये तीन चीज मिली है खाने की, बस। तो ये मेरी अलमीरा में रहेंगे, जब मेरा मन करेगा तब खाऊंगी। अब अगले हमारी एक और हीरोइन दीप्शु। चल ऊपर चल। तो हमारे यहाँ दो गेस्ट आए, गेस्ट क्या है चाचा चाची हमारे बेसिकली, मतलब दूसरे परिवार के हैं, हैं बिजलवान फैमिली के, मतलब दूसरा कुटुंब होता है जैसे दादा के पापा रहे होंगे कोई, तो उनकी फैमिली से हैं ऐसा मुझे पता है। जहाँ नहीं तो मैं तो देखो काली चाय पी रही हूँ नींबू डाल के। तो चाचा और चाची का दोनों का फास्ट था, तो मैंने पहले नींबू डाला, तो नींबू वाली चाय तो फेंक दी क्योंकि शुक्रवार के फास्ट में आप खट्टा नहीं खा सकते ना, तो मैं कभी लिया नहीं, तो मैं तो खा रही हूँ पी रही हूँ सब। तो उनके लिए दोबारा से चाय बनाई, फिर तीन बार चाय बनाई है। बी रियल इन कैमरा देखो किसी ने गंदी वाली डकाल ली है। बोल दे मामी को हम आ रहे हैं कल सुबह का नाश्ता वहीं करेंगे। सुबह का नाश्ता कौन कौन जा रहा है? मैं आती हूँ। किरण कौन नहीं जा रहा? हाँ यार किरण रोने लग जाएगी, ये अपना अपना चले जाते हैं, मेरे को नहीं लेके जाते। किरण को भी लेके चल लेंगे। हाँ तीन जने तो चले जाएंगे शाम को तक आराम से। जो वो नहीं था मुझे वाउचर मिला था $400 का, वो वाउचर याद है तुझे कब मिला था आसपास? पता नहीं याद कर यार मुझे, वो सर रजिस्टर करना एग्जाम मुझे नहीं पता, अगस्त के टाइम पे होगा पक्का। तेरा वो कब आया था बॉटल वगैरह? उसी टाइम होगा, अगस्त के टाइम में होगा। अगस्त के टाइम पे? हाँ जुलाई या अगस्त के, मैं देख ले। तो गाइस अभी मेरा मूड ख़राब हो रहा है, मुझे एक एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना था और मेरा उसका वाउचर था $400 का, अब वो वाउचर मुझे मिल नहीं रहा है। और वो उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ये 31 दिसंबर, और आज है 29, और शायद मैं मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे वो हार्ड अर्न है वो वाउचर।
मेरा वाउचर कोड नहीं मिला मुझे, मेरा मूड खराब हो गया। अब ईमेल मैंने डिलीट मार दी है सारी अपनी, और उनको मैं रिस्टोर भी नहीं कर सकती वो बिन से, क्योंकि बिन से भी मैं सब डिलीट मार देती थी। तो गाइस मैं तो बना रही हूँ स्वीट कॉर्न, ये उबालने के लिए रख दिए, प्याज कस दिया है, टमाटर काटने, मिर्ची मैंने मैनुअली ही काटी है चाकू से, और टमाटर भी मैनुअली ही कटेंगे शाम को दिन में काटने के लिए, और चाय भी बनाती हूँ साथ साथ में। मम्मी सो रखी है, टिप्सी का भी टाइम हो गया, टिप्सी को बाहर लेके जाती हूँ। रुक जा सुबह, ये टमाटर काट दे बारीक बारीक। मैं नहीं काटा। क्यों? अभी मैं काम कर। क्या काम कर रहा? चाय बनानी है? चाय तो वैसे ही बनानी पड़ेगी, जाना है एक्सरे करवाने। ले काट देना बारीक बारीक। मैं नहीं कर रहा, मेरे को मत बोल, तन्नू बोल, मैं वैसे भी ये नहीं। तन्नू पड़ेगी नहीं, स्वीट कॉर्न नहीं खाएगा तू? नहीं। अच्छी चीज़ क्यों खाएगा तू? देखो मेरे किचन में अंधेरा होता है, ये लाइट बहुत कम जलती है यहाँ पे, तो मैं स्वीट कॉर्न बना रही हूँ। शुभम ने मना कर दिया बनाने से, तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो गाइस आधी प्रिपरेशन तो मैंने कर दी है, ये देखो पता क्या क्या है इसमें, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, ये वाला सॉस है, और चीज डाली है, क्रीम डाली है, बटर डाला था, बटर का अलग टेस्ट आता है, और नमक डाला मैंने थोड़ा सा, और अभी नींबू डालूंगी, देखती हूँ अकॉर्डिंग कैसा होता है, ये उसके अकॉर्डिंग डालती हूँ। इतना मैं मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ फिलहाल, मम्मी सो रही थी, मम्मी को वो तो गया था। मम्मी मम्मी उठो, लो स्वीट कॉर्न है खा लो, उठ तो जाओ, 4:30 हो गया है, उठ जाओ भाई। कुछ भी बोलो, हो जबरदस्त रहा है, अपनी तारीफ कर रही हूँ पर और दिन से ज्यादा अच्छा हो रहा है। मिर्च हो रही थी, मिर्च नहीं हो रही, मैंने मिर्च खा ली, जो उसमें मिर्च काटी थी ना बहुत तीखी मिर्च है यार, मैं मिर्च नहीं खाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, मुझे अपने दांतों का एक्सरे करवाना है कि कितने हद तक कैविटी है या नहीं है, तब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है? मुस्कान चैरिटेबल डेंटल लैब। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला एक्सरे तो हो जाएगा, पर मुझे पूरे दांतों का करवाना था एक्सरे, तो उन्होंने बोला सिंगल टीथ का आपका 150 से 200 रुपये चार्ज होगा, तो इससे अच्छा है कि अगर आपको पूरा करवाना है ओपीजी करवाओ। ओपीजी मेरे पास नहीं है, वरना मैं कर देता, उसके लिए मुझे कल ऋषिकेश जाना पड़ेगा, तो कल ऋषिकेश जाऊँगी ओपीजी करवाने के लिए, तो ओपीजी सस्ता पड़ेगा मुझे उस हिसाब से, तो क्योंकि बहुत सारे दांत हैं ऐसे जिनको चेक करना रहेगा कि कहाँ तक कैविटी पहुँची है कहाँ तक नहीं पहुँची है। और मुझे पता है कौन, मेरे ये स्कूल की सीनियर मिली थी, जहाँ हम स्कूल, मैंने आप देखा होगा आपने, मैंने पुराने ब्लॉग में डाला हुआ है, तो वहाँ की मुझे सीनियर मिली थी, उनकी एक छोटी सी लड़की, उनकी शादी काफ़ी पहले हो गई थी, तो बोली तुमने शायद तुम्हारे भी बच्चे हैं, मैंने कहा भैया मेरी शादी भी नहीं हुई अभी, तो बोली अरे क्यों नहीं करी तुम तो उसके साथ के, मैंने कहा हाँ तो फिर ऐसी फिर बात करी ये वो, सो फिर वो ना मेरे भैया, वो उनका जो हस्बैंड है वो एयरफोर्स में है। तो उनका जो हस्बैंड है ना वो एयरफोर्स में है, और मेरे भैया हैं मेरे बुआ के लड़के, पैर मुड़ गया यार, घर आती हूँ ना दिन खराब होने लग जाते हैं मेरे, घर आके बाहर रहती हूँ ना तो मस्त रहती हूँ।
घर से निकलना चाहिए मुझे, काश मेरे घर वाले निकाल दें मुझे। ओह शाम को बोल दिया मैंने, शाम में मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, क्या बोल दिया मैं, कुछ और मांगती इससे अच्छा तो। तो जो उनके हस्बैंड थे ना, तो मेरी बुआ के लड़के हैं एयरफोर्स में, तो उनके हस्बैंड मेरे भैया के दोस्त हैं। तो मैंने कहा हाँ आपका सारा अपडेट रहता है उनको, तो उनकी तीन बहनें हैं, तो उनकी तीनों बहनों की शादी हो गई, तीनों के बच्चे हैं, भाई है उनका छोटा, वो मेरे साथ मेरे ख्याल से मेरे भाई के साथ का है। तो ऐसी फिर बातें बातें हुई, तब बस मैं घर को आ गई। अब मैं दूध लेने जा रही हूँ, दिखाती हूँ दूध। ये देखो घासी घास, घास नहीं है ये धान है। यहाँ हम दूध लेने आते हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और तुम्हारी यात्रा मस्त एकदम। कब पहुँचे तुम? हम कल सुबह। क्या बोल रही? मैंने तो क्या होता है गिफ्ट देखने के लिए बेचैनी हो रही थी तुझे। देखो गाइस आज किरण को फिर से गिफ्ट मिला है, इसने फिर से नहीं ओपन किया, तो मेरे से वाओ उसकी पैकिंग कितनी मस्त लग रही। मम्मी बोली खोल लेगा। क्यों खोलना क्यों नहीं है? है क्या इसके अंदर? खोलना क्यों नहीं है मम्मी? बुखारी आम पापड़। कैसा आम पापड़? बेकार हो रहा है वो, बनारस वाला अच्छा हो रहा था। बनारस वाला याद ही नहीं मुझे। मैं फाइनली गिफ्ट खोलने वाली हूँ, मम्मी ने मना करा था गिफ्ट नहीं खोलना है। फिर भी मैं ढीट हूँ, फिर भी मैं बहुत ढीट हूँ। ये देखो इसकी पैकिंग कितनी अच्छी हो रही है। मम्मी सब्जी खत्म हो रही थी उसमें से, टिफिन में से। ए बैकग्राउंड मत दे, वो इसकी पैकिंग पेपर वाली पैकिंग हो रही थी। तमीज से खोलिए उसकी बिल्कुल। तो गाइस ये बहुत ही नई चीज़ थी हमारे लिए। तो ये पूरा स्टैंड है ठीक है, और इसमें यहाँ पे ना ये कैटल वो चूल्हे जैसा है, तो यहाँ पे आप ये कैंडल रखना ठीक है। ये कैंडल भी आई है इसके साथ, ये कैंडल रखोगे ठीक। इसके बाद ये ऑयल है, तनु ऑयल डालना है ना सीधा इसमें, यही आ जाए दो चीज़। मुझसे क्या पूछ रही? यही तो आए थे ना दो चीज ठीक है। ये ऑयल को इसमें डालना और यहाँ से कैंडल वो करनी है, जला देनी है, तब आएगी खुशबू जब हम इसे जला देंगे यहाँ से। तो ये दो कैंडल आई है साथ में। अब अभी हम ऑयल सूंघ के बताती हूँ कैसा वाला, लेमन ग्रास वाला आ रहा बनी आज। चैन से भी नहीं खाने देती भाई। तो तेरे मुंह पे लगा के वो कर रही हूँ मैं, ज्यादा स्टाइल मार रही है। मैं अपनी प्लेट दिखा लेती हूँ गाइस, ये तो ज्यादा एक्टिंग मारते हैं। ये देखो मैं तो खा रही हूँ आलू मटर, सभी के लिए आलू मटर खा रही हूँ। स्पेशल खा रही थी, स्पेशल में मैं चटनी खा रही हूँ जो कि तू नहीं खा रहा है, समझा? तो ये चटनी है तन्नू ने बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी हो रही थी। फेंक नहीं बोला मैंने, छोड़ दूंगी बोला मैंने, मैंने फेंक दूंगी नहीं बोला। खाना खा लिया हमने, डिनर जो भी था हमारा, फिर हमने एक दो घंटे गप्पे लगाई हैं। 10 बजे अभी आए हम थोड़ी देर पहले ही उठ के, और अभी हो रहा है 10:29 यानी 10:30 होने वाले हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ये वाला ब्लॉग आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मेरे आपको पुराने ब्लॉग्स जैसे भी लगे प्लीज़ बताना कमेंट करके अभी, और अभी के लिए बाय बाय गुड नाइट।